आज की वीडियो में आपको बताने लगा हूँ पाकिस्तानी अदाकार बाप और बेटे की जोड़ी के बारे में। बाप और बेटे का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है। अगर आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि रिहान एस के भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले बात करते हैं मशहूर अदाकार दानिश तैमूर की। दानिश तैमूर का नाम कामयाब अदाकारों में शामिल होता है। दानिश तैमूर की शादी मशहूर अदाकारा ऐज़ा खान के साथ हुई थी। अब इनकी फैमिली में इनकी एक बेटी और इनका एक बेटा है। इनके बेटे का नाम रयान तैमूर है। अब बात करते हैं हारून शहद की। हारून शहद भी एक कामयाब अदाकार है। हारून शहद हाल ही में ड्रामा सीरियल निकाह में बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आए थे। इनकी शादी पलवशी खान के साथ हुई थी जो पठान फैमिली से ताल्लुक रखती है। अब इनकी फैमिली में इनका एक खूबसूरत बेटा है। इनके बेटे का नाम मूसा है। अब बात करते हैं खूबसूरत अदाकार आसिफ रजा मीर की। आसिफ रजा मीर भी एक कामयाब अदाकार है। इनकी शादी समरा से हुई थी। अब इनकी फैमिली में इनके दो खूबसूरत बेटे हैं। इनका बेटा अदाकार अहद रजा मीर और इनका दूसरा बेटा भी अदाकार है जिनका नाम अदनान रजा मीर है। अब बात करते हैं अफजल खान रैम्बो की। अफजल खान रैम्बो भी एक कामयाब अदाकार है। इनकी शादी मशहूर अदाकारा साहिबा रैम्बो के साथ हुई थी। इस कपल को बहुत ही पसंद किया जाता है। अब इनकी फैमिली में इनके दो खूबसूरत बेटे हैं। इनका छोटा बेटा एहसन भी अदाकार है जो हाल ही में ड्रामा सीरियल हीर द हीरो में एक्टिंग करते हुए नजर आए थे। अब बात करते हैं खूबसूरत पर्सनैलिटी इकरारुल हसन की। इकरारुल हसन ने असल ज़िंदगी में दो शादियां की है। इनकी पहली शादी कुरत लैन के साथ हुई थी और इनकी दूसरी शादी फराह के साथ हुई थी। इनकी फैमिली में इनका एक खूबसूरत बेटा है। इनके बेटे का नाम बहलाज हसन है जो सोशल मीडिया स्टार है। अब बात करते हैं हमजा अली अब्बासी की। हमजा अली अब्बासी का नाम कामयाब अदाकारों में शामिल होता है। हमजा अली अब्बासी की शादी नेमल खावर के साथ हुई थी। अब इनकी फैमिली में इनका एक खूबसूरत बेटा है और अपने बेटे की पिक्चर शेयर करते हैं और इनके कपल को बहुत ही पसंद किया जाता है। नेमल खावर भी एक कामयाब अदाकारा है। अब बात करते हैं बिलाल कुरैशी की। बिलाल कुरैशी भी एक कामयाब अदाकार है। बिलाल कुरैशी की शादी अरूसा कुरैशी के साथ हुई थी और इनके कपल को बहुत ही पसंद किया जाता है। ये तकरीबन एक जैसा लिबास भी इस्तेमाल करते हैं। बिलाल कुरैशी की फैमिली में इनके दो खूबसूरत बेटे हैं और अपनी फैमिली की पिक्चर शेयर करते हैं। अब बात करते हैं नुमान इजाज की। नुमान इजाज भी एक कामयाब अदाकार है। इनका नाम सीनियर अदाकारों में शामिल होता है। नुमान इजाज की शादी राबिया नुमान के साथ हुई थी। अब इनकी फैमिली में इनके तीन खूबसूरत बेटे हैं। इनका बड़ा बेटा भी अदाकार है जो आजकल ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम और मुझे प्यार हुआ था बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं जुनैद खान की। जुनैद खान भी एक कामयाब अदाकार है। जुनैद खान की फैमिली में इनके दो खूबसूरत बेटे हैं और अपनी फैमिली की पिक्चर शेयर करते हैं। अब बात करते हैं खूबसूरत अदाकार फहद शेख की। फहद शेख भी एक कामयाब अदाकार है जो आजकल ड्रामा सीरियल बोझ में बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी शादी मशहूर अदाकारा महरीन शेख के साथ हुई थी। अब इनकी फैमिली में इनका एक खूबसूरत बेटा है और अपने बेटे की पिक्चर शेयर करते हैं। अब बात करते हैं इमरान अशरफ की। इमरान अशरफ को ज़्यादा शोहरत ड्रामा सीरियल राजा राजा करदी से मिली है। इमरान अशरफ की शादी किरण इशफाक के साथ हुई थी 2018 में। ये मोहब्बत की शादी हुई थी लेकिन ये शादी ज़्यादा देर तक ना चल सकी और 2022 में इनकी रहें जुदा हो गई। इनकी फैमिली में इनका एक खूबसूरत बेटा है।
अब बात करते हैं यासर नवाज की। यासर नवाज भी एक कामयाब अदाकार है। इनका नाम सीनियर अदाकारों में शामिल होता है। इनकी शादी मशहूर अदाकारा निदा यासर के साथ हुई थी। इनके कपल को बहुत ही पसंद किया जाता है। अब इनकी फैमिली में इनके दो बेटे और इनकी एक खूबसूरत बेटी है और अपनी खूबसूरत फैमिली की पिक्चर शेयर करते हैं। अब बात करते हैं फरहान अली आगा की। फरहान अली आगा भी एक कामयाब अदाकार है। आजकल ड्रामा सीरियल तेरे बिन में बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी शादी उज़्मा आगा के साथ हुई थी। अब इनकी फैमिली में इनके दो खूबसूरत बेटे हैं और अपनी फैमिली की पिक्चर शेयर करते हैं। अब बात करते हैं बहरोज सब्जवारी की। बहरोज सब्जवारी का नाम सीनियर अदाकारों में शामिल होता है। बहरोज सब्जवारी की शादी सफीना शेख के साथ हुई थी, जो जावेद शेख की बहन है। इनकी फैमिली में अब इनका एक खूबसूरत बेटा भी है। इनका बेटा भी अदाकार है। इनके बेटे का नाम शहरोज सब्जवारी है। बाप बेटे को बहुत ही पसंद किया जाता है। अब बात करते हैं काशिम महमूद की। काशिम महमूद का नाम भी सीनियर अदाकारों में शामिल होता है। हाल ही में ड्रामा सीरियल कलंदर में बहुत ही अच्छी अदाकारी करते हुए नजर आए थे। ये असल जिंदगी में शादीशुदा है। अब इनकी फैमिली में इनके तीन खूबसूरत बेटे हैं और अपनी खूबसूरत फैमिली की पिक्चर शेयर करते हैं और इनकी फैमिली को बहुत पसंद किया जाता है। अब बात करते हैं हमाद फरूकी की। हमाद फरूकी भी एक कामयाब अदाकार है। ये फराज फरूकी का जुड़वा भाई है। इनकी शादी सनूदिया खान के साथ हुई थी। अब इनकी फैमिली में इनके दो खूबसूरत बेटे हैं और अपनी खूबसूरत फैमिली की पिक्चर शेयर करते हैं। अब बात करते हैं कामयाब अदाकार फैसल कुरैशी की। फैसल कुरैशी भी एक कामयाब अदाकार है, जिन्होंने तीन शादियां की हैं। इनकी पहली दो शादी तो ना चल सके, लेकिन इनकी तीसरी शादी कामयाब हुई है। इनकी तीसरी शादी सन्ना फैसल के साथ हुई थी। अब इनकी तीसरी शादी से इनका एक बेटा फरमान कुरैशी है और इनकी एक बेटी आयत कुरैशी है और अपनी खूबसूरत फैमिली की पिक्चर शेयर करते हैं। अब बात करते हैं सीनियर अदाकार वसीम अब्बास की। वसीम अब्बास भी एक कामयाब अदाकार है। वसीम अब्बास की शादी सबा हमीद के साथ हुई थी। वसीम अब्बास की फैमिली में इनका एक खूबसूरत बेटा है। इनके बेटे का नाम अली अब्बास है। अली अब्बास खुद भी अदाकार है, जिनकी अदाकारी को बहुत ही पसंद किया जाता है। हाल ही में ड्रामा सीरियल गिरफ्त में बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आए थे। अब बात करते हैं अब्दुल्ला कदवानी की। अब्दुल्ला कदवानी भी एक एक्टर और प्रोड्यूसर है। इनका नाम कामयाब अदाकारों में शामिल होता है। जो भी ड्रामा लिखते हैं, इनका हर आने वाला ड्रामा लाजवाब होता है। इनकी फैमिली में इनके तीन खूबसूरत बेटे हैं। इनका बड़ा बेटा अरुण कदवानी भी टॉप अदाकार है, जिनका न्यू ड्रामा आने वाला है झूम। झूम ड्रामे की रियल लाइफ पार्टनर देखने के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब बात करते हैं सैयद नूर की। सैयद नूर भी एक कामयाब प्रोड्यूसर और एक्टर और फिल्मी स्टार है। इनकी हर लिखी हुई फिल्म और इनका हर लिखा हुआ ड्रामा लाजवाब होता है। इनकी मोहब्बत की शादी हुई थी फिल्मी स्टार सैमा नूर के साथ। सैमा नूर भी एक कामयाब अदाकारा है, जिनकी अदाकारी को बहुत ही पसंद किया जाता है। अब इनकी फैमिली में इनका एक खूबसूरत बेटा है। इनके बेटे का नाम शैजील नूर है, जिनकी पिक्चर आप देख रहे हैं, इनकी फैमिली को पसंद किया जाता है। अब बात करते हैं लंबे अरसे से शोबिस की दुनिया में अपना नाम रोशन करने वाले जावेद शेख की। जावेद शेख भी एक कामयाब अदाकार है। जावेद शेख की शादी जीनत मंगी के साथ हुई थी। जावेद शेख की फैमिली में अब इनकी एक खूबसूरत बेटी भी अदाकार है। इनकी बेटी का नाम मोमल शेख है और इनका एक बेटा भी अदाकार है। इनके बेटे का नाम शहजाद शेख है। अब बात करते हैं वाहज अली के। वाहज अली भी एक कामयाब अदाकार है, जिन्हें ड्रामा सीरियल तेरे बिन में काफ़ी शोहरत मिल रही है और रातों रात शोहरत की बुलंदियों को छूने लगा है। वाहज अली को भी बहुत पसंद किया जाता है। वाहज अली की मोहब्बत की शादी सना वाहज के साथ हुई थी। वाहज अली की फैमिली में इनका बेटा तो नहीं है, लेकिन इनकी एक बेटी है।
जब वहज अली से बेटे का सवाल किया तो वहज अली ने जवाब दिया, बेटियां भी बेटे से कम नहीं होती, अगर दिलों में फर्क ना हो तो बेटी भी हमेशा बेटा ही होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। इन अदाकारों में आपका पसंदीदा अदाकार कौन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि रिहान SKB YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, मिलता है नई वीडियो नए टॉपिक के साथ।